पहले मोबाइल रिपेयरिंग करते थे, फिर करते करते वो वीडियो अचानक से देखने लगे। पहले थे कि फिल्म का डायलॉग पे लोग एक्ट करते थे, तो मैं भी ट्राई किया। पहले तो दो चार बहुत ख़राब हुआ था, बहुत गंदा वाला हुआ था। फिर एक दिन अचानक लिपसिंग मिल गया, एक दूर से पर्दा पे देखते थे सबको, एक ड्रीम जैसा लगता था, सपना सच हो गया। टीवी वीवी पे आते होते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन खेसारी जी को मैं काफ़ी ज़्यादा वाच करता हूँ शुरू से, उनका एक्टिंग का भी झलक मेरे में देखने को मिलता होगा मेरे वीडियो में, तो वो मेरे काफ़ी मतलब उनको ज़्यादा पसंद करता है। मार्केट में जो ट्रेंड में चलने लगते हैं फिर आदमी जाहिर सी बात है उनको फॉलो करता है, उनको देखने लगता है। पहली बार उतना बड़ा रोल मिला तो हमको बहुत खुशी हुई, और काफ़ी अच्छा कॉमेडी फिल्म है। पटना का एक आम सा लड़का कैसे मुंबई पहुँचा, क्योंकि तुम मुंबई भी गए थे, तो फिर उस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताओ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है UNN मीडिया पे, और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कई टैलेंटेड लोग हमें मिले हैं, कई ऐसे कलाकार मिले हैं। शायद अगर सोशल मीडिया नहीं होता, या फिर कहें टिकटॉक बैन होने के बाद अगर ऐसे इंडिया ने ऐप नहीं बनाया होता, तो शायद हम ऐसे टैलेंट से होता ना कि हमें शायद ऐसे देखने को नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से मैं सोशल मीडिया की क्यों बात कर रही हूँ। तो एक बिहार का लड़का है, सिंपल सा लड़का है, और काफ़ी वायरल होता है सोशल मीडिया पर, काफ़ी अपने एक्ट से सबको हंसाता है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इस बंदे से कब मिलूँगी, और इसका इंटरव्यू तो मैं ही करने वाली हूँ, और फाइनली मैं एक फिल्म के सेट पर आई हूँ और वो बंदा मुझे मिल गया। तो वो कोई और नहीं, अखिलेश है, जिसे आप प्यार से अखी जी कहते हैं। सो पहली बार UNN मीडिया पे अखिलेश, तुम्हारा स्वागत है। सबसे पहले जितने भी UNN मीडिया देख रहे हैं सबको प्रणाम करते हैं यहीं से, और आज बहुत दिन से हम वाच कर रहे थे UNN मीडिया, और खुशबू जी मेरी फ्रेंड भी हैं, काफ़ी दिनों पहले इनसे बात हुआ था, और आज एक सेट पे शादी मुबारक फिल्म चल रही है सेट, उस सेट पे आज इनसे मुलाकात हुआ, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज हम इनसे इंटरव्यू दे रहे हैं, और पहले प्लान किए थे कि कभी मिलेंगे तो जरूर इंटरव्यू देंगे। पहली आई थिंक हमारी ये मुलाकात है, और हमारी अखिलेश से तब बात हुई थी जब टिकटॉक का ज़माना था। टिकटॉक वैसे तो चाइनीज ऐप था, तो हमें बड़ा दुख हुआ जाने का, लेकिन हमें खुशी भी है कि उस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें ऐसे बहुत से कलाकार मिल गए जो अपने टैलेंट को घर बैठे दिखा सकते थे। मतलब तुम्हारी लाइफ पहले बहुत चेंज थी, जहाँ तक मुझे याद है एक मोबाइल शॉप पर तुम पटना में वर्क करते थे अपना घर, अपने डेली लाइफ को चलाने के लिए। पहले मोबाइल रिपेयरिंग करते थे, फिर करते करते वो वीडियो अचानक से देखने लगे। पहले म्यूजिकली आता था टिकटॉक से पहले, फिर उस पर देखे थे कि फिल्म का डायलॉग पे लोग एक्ट करते थे, तो मैं भी ट्राई किया। पहले तो दो चार बहुत ख़राब हुआ था, बहुत गंदा वाला हुआ था। फिर एक दिन अचानक लिपसिंग मिल गया, और डाले थे तो 200-300 व्यूज आने लगे। फिर इंटरेस्ट था एक्टिंग में तो कंटिन्यू डालने लगे, तो और पब्लिक का प्यार मिला। अब देखते हैं ना कि अब जो है ना अखिलेश अपने गांव वालों के लिए बहुत बड़ा स्टार है, अक्सर गांव जाते हैं तो प्यार मिलता है। उस टाइम तुम्हारा एक जब शुरू में मैं जब तुमसे मिली थी, वैसे हमारी बात अक्सर इंटरव्यू वाली होती थी, पूछे क्या कर रहे हो, तो था ना तुम्हारा एक सपना था कि मुझे अपना घर बनवाना है। हाँ, हाँ। सो वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया फाइनली। हाँ, प्लास्टर व्लास्टर ना भई रहला तब हो गया पूरा, सब हो गया, बाल पुट्टी उलपुट्टी सब करवा देले बने। मतलब हम ही कहई जन लड़का बनी तैयार बाप शादी खातिर, लड़की ढूंढे के पड़ी हमी के। हाँ 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 कर एकदम जरूर ढूंढे करी, कहा ना ढूंढे लड़का। अब तक कौन मिलल ना? ना अभी मतलब अभी प्लान नहीं किया, अभी कुछ दिन बाद थोड़ा अभी स्ट्रगल चला था, धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता था, तनका दिन और ब्रेक कर ली तब ना, तो फिर मेहरारू में अजुराए रही है तो काम ना हो जाता था। अभी क्या है कि अभी अखिलेश भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री कर चुका है, कई ज़्यादातर अरविंद अकेला कलू शायद आप ऑन स्क्रीन भी शेयर कर चुके हैं, तो ऐसा होता ना प्रपोजल गर्लफ्रेंड वाला शादी वाला प्रपोजल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता है ना। आता है। कोई अच्छा वाला इंसिडेंट बताओ, कोई लड़की एकदम पागल वाला एकदम पीछे पड़ गई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? होता है, लेकिन वो मतलब ठीक है, उधर ही अच्छा लगता है, इधर क्या बताएं। उधर ही अच्छा लगता है, कितना शर्मीला और कितना शरीफ बन रहा है। सो आते हैं कि पहला ब्रेक इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे मिला, और कैसे होता है ना कि एक पटना का एक आम सा लड़का कैसे मुंबई पहुंचा, क्योंकि तुम मुंबई भी गए थे, तो फिर उस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताओ। पहला तो सबसे पहले मुझे फिल्म कल्लू भैया दिए थे, कल्लू कृष्णन फिल्म है जो अभी हाल ही में टीवी पे भी आया और रिलीज भी हो चुकी है। तो कल्लू कृष्णन में कल्लू भैया से हम पटना में मिले थे, तो भैया उसके बाद वीडियो वीडियो देखे थे मेरा, तो पसंद करते थे, तो बोले कि बहुत अच्छा एक्टिंग कर ला। और मिलने के बाद में फिर बाई नेचर मुझे वो वाच किए, तो उनको लगा कि लड़का में ईगो एटीट्यूड नहीं है, इसको काम देना चाहिए, तो भैया बुलाएं और उसके बाद में काम दिए। तो पहला फिल्म कल्लू कृष्णन है जो बहुत अच्छी फिल्म, और बहुत बड़ा रोल था, पहली बार उतना बड़ा रोल मिला तो हमको बहुत खुशी हुई, और काफ़ी अच्छा कॉमेडी फिल्म है, तो आप लोग देख भी सकते हैं, जल्द ही यूट्यूब पे भी रिलीज होगा।
तो काफ़ी मज़ा आया। पहला फिल्म उनके साथ किया, फिर वेब सीरीज कुछ एक दो किए मुंबई जाके हिंदी का, फिर उसके बाद में खेसारी जी के साथ डोली सजा के रखना, फिर कल्लू भैया साथ रेस की है, और कल्लू भैया साथ ही मेरी तीसरी फिल्म है शादी मुबारक। क्या बात है भाई, आई विश तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। होता है ना कि जब तुम इंडस्ट्री में लाइक तब किसी को नहीं जानते थे, जब तुम एक सिंपल से लड़के थे जो वीडियो बनाता था अपने मोबाइल के शॉप में बैठ के, तो तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन था जिससे मिलना था और जिसका गानों पर तुम हमेशा परफॉर्म करने के लिए तैयार रहते थे? ऐसे देखते सब कोई को, देखे जो मार्केट में ट्रेंड करने लगते हैं जाहिर सी बात है सबका गाना हिट होता है, सब कोई को लोग देखते हैं, लेकिन खेसारी जी को मैं काफ़ी ज़्यादा वाच करता हूँ शुरू से। उनका एक्टिंग का भी झलक मेरे में देखने को मिलता होगा मेरे वीडियो में, तो वो मेरे काफ़ी मतलब उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। कल्लू भैया का भी गाना बहुत पसंद है उनको भी, सब लोग का जिनका गाना मार्केट में जो ट्रेंड में चलने लगते हैं फिर आदमी जाहिर सी बात है उनको फॉलो करता है, उनको देखने लगता है, तो सब लोग अच्छे हैं, सबका देखते हैं, सबके गाने पे रील बनाते हैं। लगता है कि जिन स्टार्स को तुम बचपन से टीवी पे देख रहे हो या फिर जिनके गाने परफॉर्म करते हो, आज वो स्टार तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि जब हम सेट पे आते हैं कहीं फिल्म शूट करने जाते हैं तो बताना नहीं पड़ता है कि मेरा नाम अखिल है सर, हम भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से सब जानते हैं, तो जब नाम लेके बुलाते हैं अरे तू हो बारे यही में हम कहीं, हाँ, तो अच्छा लगता है। ये सब चीज़ मेरा खुशनसीब है कि सब लोग पहले से जानते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि एक दूर से पर्दा पे देखते थे सबको, एक ड्रीम जैसा लगता था, अब सपना सच हो गया, टीवी वीवी पे आते होते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारा ड्रीम था भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का, आ गए, अब क्या ड्रीम है? ड्रीम है इसी में कुछ बेहतर करे, कुछ अच्छा, मतलब एक लेवल है जो जहाँ पे मतलब लोगों को एक अच्छा मतलब एक्टर मतलब लीड हीरो करे कभी फ्यूचर में, ऐसा मतलब मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। गाने होने का कोई प्लानिंग? हाँ, गाने होने का भी प्लानिंग है, जल्दी कुछ नया मिलेगा दर्शकों को सबको। क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और अक्सर दिन के, आज कोई रील्स बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, रील्स बना, अभी नहीं बनाया, कल बनाए थे। तो रील्स इनके आते ही आते हैं और सबको बहुत ही इंटरटेन करते हैं, मैं खुद देखती हूँ इनके पोस्ट, अक्सर लोग काफ़ी खुश रहते हैं आपके कॉमेडी, ज़्यादातर कॉमेडी वीडियो ही ये बनाते हैं, बहुत ही कम हमें डांस का या फिर कोई सीरियस देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा सबको हंसाते रहते हैं, एंड आई विश आप ऐसे हंसाते रहें और यूएनएन मीडिया की टीम आपसे जाहिर सी बातें जुड़ी रही, आप ऐसे आगे बढ़े, हम आपका इंटरव्यू करते रहेंगे। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही बोलेंगे कि यूएनएन मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी टाइम से वॉच कर रहे हैं और काफ़ी समय से जुड़े हैं, लेकिन आज मौका मिला सबसे मिलने का, और मुझे भी प्यार देते रहिए, यूएनएन मीडिया को भी प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।